आज जो बात की जा रही है बार बार, वो बात की जा रही है कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब की, और उनका कहना ये है कि जी कश्मीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। वन ऑफ द बिग सरप्राइजेस मेरी जिंदगी की रिसेंट ये है, सब जारी बात है, कश्मीरी तो होस्टेज ही है वो, तो उनको तो मुझे तो ऐसे नजर आता है उन बेचारों की पोजीशन जो है वो। ये तो आपने एक ऐसे हवा खड़ा किया हुआ है जिनके पीछे न कोई ब्रेन है न कोई थिंकिंग है, ये तो बहुत ही लेमैन किस्म की वो गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स, इसको आप मानते क्यों नहीं? कम से कम किसी वक्त तो कोई सैनिटी प्रिवेल करे ना बरसगीर के अंदर। सब ये इंडिया के वाले से आप कह रहे हैं या पाकिस्तान के वाले से? जफर इलाली साहब, क्या आप एग्री करते हैं इम्तियाज गुल साहब की बात से? वो कह रहे हैं कि हम उस तरह दबाव नहीं डाल पाए और पाकिस्तान के हाथ से ये बात निकल चुकी है, तो वो तो आप समझ लें कि ये दी एंड है इसके बाद। एक तो ये, और दूसरा ये भी जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, अभी फिर से पाक भारत मुजाकरात की बातें हो रही हैं। दूसरा फिर सवाल इससे जुड़ा हुआ जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में आता है, आपके जहन में भी यकीनी तौर पर आ रहा होगा कि मसला कश्मीर ये ऐसा एक मसला है कि जिस पर बात किए बगैर आगे बढ़ना मेरे ख्याल से तकरीबन नामुमकिन है। तो इस ये दिन के मुनासबत से मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसी बात पर गुफ्तगू करें कि हम किस तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों की मजीद मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पूरी पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूं गया है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो आतंकी घटना हुई है और जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, उस बयान ने पाकिस्तानियों को सकते में डाल दिया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आमिद बसानी सर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कमर चीमा बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। लेकिन जिस तरह से कमर चीमा ने चालाक बनने की कोशिश की और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की, उसके ऊपर जिस तरह से हामिद बसानी सर ने कमर चीमा को जो जवाब दिया है वह अप्रोप्रिएट तो है ही, लेकिन जिस इंटरेस्टिंग तरीके से हामिद बसानी सर ने जो जवाब दिया है उसको देख करके मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया पिछले 70-75 सालों से कश्मीर मुद्दे पर न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि दुनिया को भी जिस प्रोपेगेंडे से भारत के खिलाफ कुप्रचार करते आए हैं कि कश्मीर के अंदर भारत ने एक कर दिया, वो जुल्म कर दिया, कश्मीरियों को भारत सरकार ने बिल्कुल दबा के रखा है, वो मजलूम है, वो बिल्कुल कैद की स्थिति में, ऐसी बातें आपको हर जगह पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया कहते नजर आएंगे, जिसको हामिद वसानी सर ने एक झटके में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का बाजा बजा दिया। सब जारी बात है, कश्मीरी तो होस्टेज ही हैं वो, तो उनको तो मुझे तो ऐसे ही नजर आता है उन बेचारों की पोजीशन जो है वो, एक 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 ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आज, बल्कि मैं देख रहा था, बल्कि उसी पे आपसे बात कर लेता हूँ, फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि आपने 75 साल कोशिश की हमें साथ में लाने की, आप नहीं मिला सके, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। बरी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कश्मीरियों के बारे में कि मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, बेचारे हैं, हॉस्टेजेस हैं, यरगमाल हैं, ये सब गलत है, टोटल इल्ज़ाम है और ये टोटली उनकी इंसल्ट करने वाली बात है। कश्मीरी उस नुकता नज़र से देखें तो पॉलिटिकली जो वो अपना लेवरेज, जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा है, इलेक्शन का जो सबसे बड़ा स्टेक होता है उससे लेके तो छोटी से छोटी जो है म्यूनसिपैलिटी तक उनका अपना एक से है, एक पंचायत का मेंबर भी उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पे मुंतखब नहीं होता, तो उसकी वजह महज इतफाक तो नहीं हो सकता ना, देखें ना उसको इस तरीके से देखें। तो ये महज फतवा दे देना कि जी नहीं जी वो तो कश्मीर में जी वो बेबस हैं, मजबूर हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? अगर वो सारे बेबस और मजबूर हैं जो हर 5 साल बाद जाके इकदार में बैठ के मज़े लूटते हैं, और वो भी बेबस और मजबूर हैं जो बाहर बैठ के भी तो पैसे लेके खाते हैं, जो आपसे असलाह और फैसिलिटीज़ भी लेते हैं, तो फिर आज़ाद कौन है और है कौन कश्मीर में, है क्या? ये तो आपने एक ऐसे हवा खड़ा किया हुआ है लोगों को खुद ही उसमें डाल के इल्ज़ामात हैं जिनके पीछे न कोई ब्रेन है, न कोई थिंकिंग है, न किसी तरह की कोई सोच है, ये तो बहुत ही लेमैन किस्म की वो गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स। उन्होंने एक बाकायदा मनाज़म तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जाके गवर्नमेंट फार्म की, अब उसके वो मुतालबे लेके आ गए, और ये बात जो उन्होंने की कि भाई आपने बहुत कोशिश कर ली, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, इसको आप मानते क्यों नहीं? आपके दिल में शक किस चीज़ का है भाई
तो अब आप किस किस खाते में उनको डालना चाहते हैं? वो इलेक्शन लड़के जीत जाएं फिर भी गद्दार, वो मजामत करें मारे खाएं किलू में जाएं फिर भी गद्दार, तो सिर्फ आपके साथ नहीं मिलते तो मोहबे वतन नहीं, व्हाट द हेल इज दिस? कम अज कम किसी वक्त तो कोई सैनिटी प्रिवेल करे ना बरसगीर के अंदर, और ये माना जाए कि उनकी अपनी कोई राय है। ब्रिज साहब, ये इंडिया के वाले से आप कह रहे हैं या पाकिस्तान के वाले से? मैं चाहता हूं कि ये क्लैरिटी थोड़ी सी आज लोगों को आप तस्लीम करेंगे एंड दे कैन मेक ए डिसीजन, जबकि हम इनको कहते हैं ये करो तो ये नहीं करते, तो ये गलत होता है। मैं समझता हूं कि वो अपना माइंड स्पीक कर रहे हैं, ये लोग हैं जिन्होंने अभी 6 महीने पहले उनका मुतालबा था कि आप पाकिस्तान से बात करें, अब वो इलेक्शन जीत के आए फिर भी वही बात वो कर रहे हैं। तो इसमें आप बात को, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर रखेंगे आवाम के सामने और आवाम को आप ये बताएंगे कि ये जो पीस प्रोसेस है अगर इसको कहीं जाके कंक्लूड होना है, तो फारूक अब्दुल्ला ने इसके ऊपर बड़ा एक दो टोक स्टैंड जो है वो अडॉप्ट किया, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि लेट अस सक्सीड, कश्मीर विल नेवर बिकम पाकिस्तान। तो ये जो उन्होंने कहा कि हमें तरक्की करने दो, इससे ये पता चलता है कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये तरक्की को टारगेट किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि एम्ड फॉर, ये जो अटैक था दैट इज एम्ड फॉर मैक्सिमम कैजुअल्टीज। हालांकि देखें ये बात इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये दुश्मनों को बड़ी बुरी लग रही है ये बात कि कश्मीर जो है वो तरक्की कर रहा है और बड़े पुरसकून एक पीसफुल जो है वो इलेक्शन भी हो गए, वहां पर जो है हुकूमत भी बन गई, कुछ हुआ ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने ये जो बात कही है, ये जो उन्होंने बात कही है बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला, उनकी पार्टी को कभी कहा जाता था कि प्रो पाकिस्तान है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि देखिए मुझे लगता है कि उनको भी ये जो पता चल गया कि यहाँ पर अब जो है तरक्की हो रही है और ये सब हो रहा है, तो उसको जो है वो भी नहीं चाहते कि वो तरक्की वहां पर रुके। अच्छा, फिर इसके अंदर ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने कहा स्पीकिंग टू द मीडिया वेरी अनफॉर्चुनेट एंड एक्सटेंडेड जो है उन्होंने ऑब्वियसली कंडोलेंस टू विक्टिम्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इससे जो दहशतगर्द हैं वो क्या गेन करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है उनका। उन्होंने कहा डू दे थिंक दे विल क्रिएट ए पाकिस्तान हेयर, ये असल में उन्होंने कही है, जो स्टेटमेंट है वो जूं की तू मैं आपके सामने पेश करी कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि व्हाट विल दी टेररिस्ट गेन फ्रॉम दिस, ये जो अटैक हुआ इससे। तो उन्होंने कहा डू दे थिंक दे विल क्रिएट अ पाकिस्तान हेयर और वी आर ट्राइंग टू पुट एन एंड टू दिस मिजरी, आई वॉन्ट टू टेल द लीडरशिप। ऑब्वियसली उनका इशारा जो है पाकिस्तान की तरफ था, और उन्होंने कहा कि इफ दे वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया दे मस्ट एंड दिस टेररिज्म, और फिर उनका कहना था कश्मीर विल नॉट बिकम पाकिस्तान, लेट अस लिव विद डिग्निटी एंड सक्सीड, इफ दे कुडंट क्रिएट पाकिस्तान इन 75 years इट्स टाइम टू एंड टेररिज्म एंड और द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी सीवियर, हाउ कैन टॉक्स बी हेल्ड इफ दे कीप किलिंग इनोसेंट। अच्छा,